ओप्पो A15s ओप्पो की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है और आज इस वीडियो में हम इसकी फुल अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके कुछ कैमरा सैंपल्स भी देखेंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं इसका डिस्प्ले से, तो 6.52 इंच का आपको इसमें वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिलता है जो कि एक HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पे 20:9 एस्पेक्ट रेशियो रखा गया है। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ देखेंगे फोन के, तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है एक, और ईयर स्पीकर पास में आपको मिल जाता है। नीचे से फोन को देखेंगे तो 3.5 mm ऑडियो जैक है, माइक है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट के अलावा स्पीकर भी रखा गया है। लेफ्ट से फोन को देखते हैं तो सिम ट्रे मिलता है जहां पे अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो आपको एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। दो नैनो सिम के अलावा एक SD कार्ड आप इसमें अलग से इंसर्ट कर पाएंगे। ऊपर की तरफ फोन में कुछ दिया गया नहीं है, लेकिन अगर राइट में देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कीज के अलावा आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। पीछे से फोन को देखेंगे तो 3D कर्व स्लिक डिजाइन आपको मिलता है जो कि एक मेटालिक फील बॉडी के साथ मिलता है। 7.9 mm स्लिम थिकनेस इसका मिल जाता है और 177 ग्राम यहाँ पे लाइट वेट है फोन। अगर बात करें बैक साइड ही तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलता है जहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस रखा गया है। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी मिलता है और पीछे से अगर फोन को देखेंगे तो यहाँ पे ओप्पो का ब्रांडिंग दिया गया है और बढ़िया है लुक एंड डिजाइन के हिसाब से। अगर आप फोन को देखेंगे तो फिंगरप्रिंट जरा सा हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने इनरोल कर रखा है और बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, पीछे से अगर इसको इजिली सही जगह पे टच करिए और इंस्टेंट अनलॉक ये कर देगा। बात करते हैं फिंगरप्रिंट तो अच्छे से काम कर रहा है, फेस अनलॉक की तो फेस अनलॉक भी जस्ट सामने लाइए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अनलॉक वाला वो जो ऑप्शन आता है वो सेलेक्ट नहीं कर रखा, मैंने जो होम स्क्रीन वाला सिर्फ यहाँ पे ये अनलॉक हो रहा है, इसको स्वाइप करके आपको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों बहुत अच्छे से इसमें वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो अबाउट फोन सेक्शन में यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटिंग मेन्यू में और कलरOS वर्जन 7.2 दिया गया है जो कि बेस्ट है Android 10 पे। Android 10 आपको इसमें मिल जाता है। 4GB का LPDDR4X रैम दिया गया है और 64GB स्टोरेज मिल जाता है जिसको आप बढ़ा भी सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio P35 दिया गया है, तो 11,500 रुपये की प्राइस पे ये सब चीज़ें आपको स्पेक्स इसमें मिलते हैं। 4230mAh एक बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसका कैमरा कैसा है, तो यहाँ पे जब भी कैमरा आप ओपन करेंगे तो जो भी एक स्मार्टफोन में मोड आते हैं वो सारे मोड आपको इसमें मिल जाएंगे। और बात करें यहाँ पे मोड में जाएंगे तो आपको स्लो मोशन का फीचर भी मिल जाता है। वीडियो सेटिंग चेक करेंगे सेटिंग मेन्यू में जाके तो 1080p तक आप इसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा के सैंपल एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है, सिम इजेक्टर टूल भी है साथ ही में, और एक आपको कुछ पेपर वर्क भी दिए गए हैं। ओप्पो A15s अपना स्मार्टफोन भी है और माइक्रो USB चार्जिंग केबल के अलावा आपको एक 5V 2A का चार्जर भी मिलता है। 10V का यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट आपको मिल जाता है। तो ये सब स्पेक्स आपको मिलते हैं सिर्फ 11,490 रुपये की प्राइस में। और आपको ये कैसे लगा स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के अंदर, बजट फोन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।